कुचामन विद्युत विभाग कार्यालय में कुचामन खंड के ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्मिकों ने अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दी है और काम पूरी तरह से रोक दिया है। हड़ताल पर बैठे कार्मिकों का कहना है कि बीती 20 जुलाई को कुचामन विद्युत विभाग की टीम रसाल गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गई थी और वहां टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी। हमले का शिकार हुए लाइनमैन अमरचंद ने इस संबंध में 20 जुलाई को कुचामन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कराने के इतने दिन बाद भी अब तक नामजद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित कुचामन खंड के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत कर्मियों ने टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दी है और मामले में कार्रवाई होने के बाद ही हड़ताल खत्म करने की बात कह रहे हैं। जैसे 20 तारीख को निगम कार्य कर रहे थे राणा सर, तो कोई ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर रहे थे, सुधार कर रहे थे उसमें। उस दौरान 5-4 लोग थे जो नामजद है, FIR जिनकी 20 तारीख को करवा दी गई है। उनके द्वारा मारपीट करी गई, गाड़ी गलौज भी करी गई और आज दिन तक प्रशासन ने सुनवाई नहीं की, ना ही उनको गिरफ्तार किया, और इसलिए हमने अपना ये काम बंद किया। जैसे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करते हम यहाँ बैठे रहेंगे और आगे ज्ञापन भी देंगे आपके थ्रू भी उन तक बात पहुँचे प्रशासन तक, ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। कूल डाउन कर रखा है, जैसे हमने अपना काम रोक दिया है, काम नहीं करेंगे सभी कर्मचारियों ने जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करते। क्या नाम आप? अमर सिंह। तो किसके साथ हुई थी मारपीट?